क्या देखभाल करते हो? हाँ, ये पान खाकर किसने थूका यहाँ पर? मैं तो ड्यूटी पर ही रहता हूँ साहब, नीचे था अपनी कैबिन में। फिर भी तुम्हें पता नहीं कि यहाँ कोई पान खाकर थूक गया? नहीं साहब, पता नहीं किसने थूका। ये बहाने बनाना बंद करो, समझे? यहाँ पर काम करना है तो आंख और कान खुले रखकर काम करना पड़ेगा। और बाकी के वॉचमैन को भी बोल देना ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर, सबको निकाल दूंगा नौकरी से। अरे क्या हुआ, घर में फटाका बजा क्या? नहीं, लगता है गोली की आवाज है, तुमने सुनी? शायद ऊपर से आवाज आई है, देखते। रवि का दरवाजा खुला है, शायद आवाज यहीं से आई है। ओह माय गॉड, कौन हुआ यहाँ पर? पीछे क्या देख लें सर? सर ये मरा नहीं है, बेहोश। बेहोश है? इसको होश में लाने के इंतजाम करो। गोली तो चली है इस गन से, कहीं यही तो खूनी नहीं। ये जो बिल्डिंग का सेक्रेटरी है उसको बुलाओ। सर गोली यहां लगी है। देखना ये कौन है? अरे ये तो समीर है, सामने के फ्लैट में रहता है। ये दोनों पति पत्नी नहीं है? नहीं सर, ये तो जया है, इसी फ्लैट में रहती थी। इसके पति रवि हैं। ये रवि का है? पता नहीं सर, शायद कहीं बाहर गया होगा। सामने के फ्लैट में रहने वाले ने गोली मार दी। उठो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? इतनी भीड़ क्यों है? आप लोग कौन है? तुम्हारे हाथ में गन थी, इस औरत को गोली लगी है और पूछ रहे हो कि क्या हुआ यहाँ पे? हाँ, रवि की बीवी जया और किस भोले बनने का नाटक कर रहा है? मैंने किसी का खून नहीं किया। क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? एक मिनट, आप प्लीज लाश को हाथ मत लगाइए। आप लोग कौन? हम लोग CID से। आप रवि हैं? हाँ। वैसे ये आदमी क्या कर रहा है? ये आदमी मेरे घर में क्या कर रहा है? इसी ने जया को गोली मारी। इसने मारी? अरे क्यों मारा तूने जया को? जो 3,000 दिन से तुम ड्रामा कर रहे थे वो सब इसीलिए था। मुझे रोज परेशान करता था और देख लीजिए आज इसने मार डाला है मेरी बीवी को। इसने मेरी बीवी को मारा और देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। इसे सजा कानून देगा। हम लोग CID से, डॉक्टर कमल है ना? जी सर। हम एक मरीज के बारे में पूछताछ करने आए, समीर नाम है उसका और उसका इलाज यहीं पर हो रहा है। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। इलाज तो अभी भी हो रहा है और थोड़ा वक्त लगेगा उसे ठीक होने में। वैसे समीर का इलाज आप ही कर रहे हैं ना? हाँ इलाज तो मैं ही कर रहा हूँ, मगर उसने किया क्या है? खून किया उसने। खून? जी हाँ, खून एक औरत का किया। सबसे अजीब बात यह है कि उसे याद नहीं है उसने खून किया। कैसे याद रहेगा, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। 3 साल पहले समीर जया नाम की किसी लड़की से प्यार करता था
और शादी भी करने वाला था। दोनों शादी की शॉपिंग करके लौट रहे थे और फिर क्या, अचानक एक्सीडेंट हो गया उन दोनों का। उस एक्सीडेंट में जया की मौत हो गई। समीर को ये लगता है कि जया की मौत उसकी वजह से हुई है। सर, ये मुझे फंसा रहा है सर। गलत, कोई तुम्हें नहीं फंसा रहा। अभिजीत, खून इसी ने किया। खून इसी ने किया? गन पर इसी की उंगलियों के निशान है और गोली उसी गन से चली। सर, गन तो मेरे हाथ में थी सर। सर, जिस गन से गोली चली है वो गन समीर के नाम पे रजिस्टर है सर। गन समीर की है। What? मिस्टर समीर, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। सारी कहानी फेल हो गई तुम। सर, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि वो गन मेरे हाथ में कैसे आई सर। वो तो मैंने अपने कबर्ड में रखी थी सर। तो तुम ये कहना चाहते हो कि किसी ने तुम्हारे घर से वो गन चुराई, उससे खून किया और फिर वो गन तुम्हारे हाथ में थमा दी जब तुम बेहोश थे। हाँ, अभी याद आया सर, कुछ ही दिन पहले वो गन मेरे घर से किसने चोरी कर दी सर। गन चोरी हो गई? जी सर। देखो समीर, अब ये ड्रामा बंद कर दो। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ, ये साबित हो चुका है कि खून तुम ही ने किया। सड़क के साथ एक मिनट, ये भी तो हो सकता है कि ये समीर सच कह रहा हो। तुम्हें इस पे यकीन नहीं? ये कह रहा था ना कि इसकी गन चोरी हो गई। देखो बस, मैं सिर्फ सबूतों में विश्वास करता हूँ। मैं भी सच पे विश्वास रखता हूँ डॉक्टर साहब, पर किसी भी नतीजे पे पहुँचने से पहले सबूतों को जरा ठोक बजा के देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर जहाँ पर जया का खून हुआ है मुझे वो जगह दिखा। आइए डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब। अच्छा, मतलब जया की लाश यहाँ पड़ी है और ये समीर कहाँ? समीर डॉक्टर साहब ये यहाँ पे इस दरवाजे के पीछे यहाँ बेहोश पड़ा। जया यहाँ थी, समीर यहाँ था इस दरवाजे के पीछे, जया उसके सामने थी। अब जया को गोली सामने से लगी एकदम सीधी उसके पेट में, दूरी भी लगभग 4-5 फीट, लगभग इतनी। समीर ने गोली चलाई सामने से, जया के पेट में गोली लगी और जया ऐसे गिर गई। सर इधर, पैर इधर, सब कुछ तो एकदम क्लियर है अभिजीत। सारे एविडेंसेस बता रहे हैं कि गोली समीर ने चलाई। देखो, जैसा तुम बता रहे हो, समीर सामने खड़ा था और जया को भी गोली सामने से लगी, लगभग इतनी दूरी से, और उसके पेट में गोली लगी। और इतना ही नहीं अभिजीत, गन पर भी समीर की उंगलियों के निशान है। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है यार कि समीर ने गोली नहीं चलाई? तो सर, ये भी हो सकता है जैसा समीर ने बताया कि खून करने के बाद खूनी ने उसे बेहोश कर दिया और उसको यहाँ पे डाल दिया, गन उसके हाथ में थमा दी, इसलिए समीर की उंगलियों के निशान गन पे है। ओ, मतलब आपकी थ्योरी ये कह रही है कि किसी और ने जया को गोली मारी, समीर को बेहोश किया और समीर को घसीटते हुए यहाँ ला करके पटक दिया और अपनी गन समीर के हाथ में पकड़ा दी, ये साबित करने के लिए कि गोली उसने नहीं समीर ने चलाई। नहीं बॉस, आई एम सॉरी, फॉरेंसिक साइंस तुम्हारी दलीलें नहीं मान सकती। तो डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, जया की लंबाई कितनी होगी? कितनी होगी? 5 फुट 7 इंच। और उसे गोली कितनी दूर से लगी? हाँ, एकदम 4-5 फीट की दूरी पर और जमीन से लगभग 3 फीट 5 इंच। ओके, मतलब 3 फीट 5 इंच इस हाइट पे। तो आप डॉक्टर साहब ये बता सकते हो कि अगर इस हाइट से गोली लगी है तो खूनी की लंबाई क्या होगी? देखो अभिजीत, जया की हाइट है 5 फीट 7 इंच और गोली सामने से चली है, इसके पेट में आकर के लगी है जमीन से 3 फीट 5 इंच की दूरी पर। इसके घाव को देखते हुए तो हम कह सकते हैं कि खूनी की हाइट 5 फीट 7 इंच होगी। 5 फीट 7 इंच। अब मैं आपको बता दूं कि समीर की हाइट 5 फीट 11 इंच। What? जी हाँ, और आपकी थ्योरी के हिसाब से समीर खूनी नहीं हो सकता। हाँ, अगर खूनी की हाइट 5 फीट 11 इंच है तो समीर खूनी नहीं हो सकता। अरे यार अभिजीत भाई, तुम एक काम करो, तुम फॉरेंसिक लैब ज्वाइन कर लो भाई, मेरी तो छुट्टी है बात।
अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, जो जहाँ है वही अच्छा है। मैं तो सिर्फ आपकी थोड़ी मदद कर रहा था, जस्ट हेल्पिंग हैंड सर। थैंक यू वेरी मच यार, क्या मदद किया, गुड। लेकिन सर, अगर खूनी कोई और था तो उसने समीर पे गोली क्यों नहीं चलाई? कई सर, हो सकता है कि खूनी समीर को मारना ही नहीं चाहता हूँ, सिर्फ फंसाना चाहता हूँ। समझे? रवि कहता है कि वो ऑफिस में था, समीर कहता है कि खून उसने नहीं किया, तो फिर खून किया किसने? कोई तीसरा ही आदमी है सर। मगर तीसरा कौन सर, ये कैसे पता चलेगा? वही जिसकी लंबाई 5 फीट 7 इंच के करीब है, जो जया और समीर दोनों को जानते हैं। मगर ये गन तो सर समीर की है। हाँ, लेकिन उसने बताया था ना कि गन चोरी होगी। लेकिन सर, बंद घर में से गन को चुराना इतना आसान नहीं है। खूनी ने घर कैसे खोला होगा? उसे कैसे पता था कि गन कहाँ पे रखी हुई है? दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं सर। बेटी, दिमाग पे इतना जोर मत डालो, समझे? समीर को बुला के लाओ। ओके सर, अभी बुला के लाता हूँ। मुझे अभी भी इस रवि पे ही शक है, चाहे वो कितना बोले कि वो ऑफिस में था। क्यों सर? समीर ने बार बार कहा है ना कि उसने रवि को देखा है, रवि को देखा है अपनी वाइफ जया को मारने की कोशिश करते हुए।